खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जिसके लिए बहुत सा सस्पेंस जो है वो दिमाग में बना रहता है। और आप देख सकते हैं कि दिवाली और छठ का समय जो है बीत चुका है और इस समय जो है वो बहुत सारे ऐसे हमारे मेहमान जो कि यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आते हैं, जिन्हें हम आर्केस्ट्रा पार्टी के नाम से जानते हैं, वे लोग यहाँ आते हैं और अपने सीजन में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करते हैं और बदले में वे अपनी कुछ मजदूरी, अपनी कुछ जीविका यहाँ से कमा के जाते हैं। लेकिन साथ साथ इसके बाद भी उनके इस आर्केस्ट्रा में, इन प्रोग्राम में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अनुभव देखने को मिलते हैं। और इन अनुभवों को आज मैं अपने इस वीडियो के मीडियम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। और आज हम जो है वहाँ पर आगे दिखाएंगे हम आपको आगे जो है किस प्रकार से इनका जीवन होता है, किस प्रकार से ये लोग कठिनाई से पैसा कमाते हैं और बदले में स्टेज पर जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों का जो है वो कमेंट सुनने को मिलता है। और साथ साथ ऐसे बहुत इशारे देखने को मिलते हैं जो कि एक अगर एक चलिए। तो आज हम पहुंच चुके हैं उन कलाकार के पास और मैं क्योंकि वीडियो में कुछ गोपनीयता है, इस गोपनीयता के कारण जो है मैं उस कलाकार का नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में कुछ पहलू जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम हुआ सनम। तो आप जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो है आपका मुस्कान आर्केस्ट्रा ग्रुप है, इस ग्रुप में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 4 महीने से आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप आर्केस्ट्रा में किस समय यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस समय पर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं? छठ में, दुर्गा पूजा में। छठ और दुर्गा पूजा में। तो यहाँ पर जो आप प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह से लोग आपको जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं जब आप स्टेज पर प्रोग्राम करते हो? तो कहीं कहीं अच्छा करते हैं, कहीं कहीं बुरा करते हैं। बुरा भी? बुरा कैसे, मतलब कमेंट करते हैं ये वो कुछ भी, मतलब गलत-गलत बोलते हैं। गलत सब बोलते भी हैं? तो इस तरह का जब आपके साथ गलत कमेंट किए जाते हैं तो वहाँ पर जब आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम करने में मन लगता है आपका? जी नहीं। जहाँ पर आपके साथ कमेंट किया जाता है या जहाँ पर आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल भी प्रोग्राम करने का मन नहीं करता है। तो फिर भी जो है आप लोग जो है अपनी भावनाओं को ना दिखाते हुए भी आप लोग जो है स्टेज पर प्रोग्राम करते रहते हैं, तो उसका क्या कारण है? मतलब सोचते हैं काम करने आया तो काम करेंगे, जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है, हम लोग का जो काम है वो करते हैं हम लोग। मतलब आप लोग जो है वो कैसे भी करके जो है अपना प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं आप बेसिकली जो है कहाँ से आते हैं आप लोग? सिलीगुड़ी से, कोलकाता से। सिलीगुड़ी कोलकाता से। तो वहाँ पर जो है आप लोग जो है वो डांस की कोई आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ले रखी होती है कि डांस करते करते आप लोग सीख जाते हैं? कोई ट्रेनिंग नहीं रहता है, ऐसे डांस करते करते सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप अर्निंग कमाते हैं, जो भी आपकी जो कमाते हैं उसमें, डांस प्रोग्राम में जो आर्केस्ट्रा ग्रुप में, उससे आपका आप संतुष्ट रहते हैं? जी संतुष्ट रहते हैं। मालिक जो आर्केस्ट्रा ग्रुप के होते हैं वो आपको पेमेंट वगैरह करते हैं? हाँ, पूरे टाइम से पेमेंट देते हैं। और यहाँ पर जो आपका रहने का होता है, खाने पीने का, इसमें कोई कमी नहीं है, सब ठीक है? इसमें भी आपका पूरा होता है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप लोग अब जो है अब आप लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा मन लगता है आर्केस्ट्रा ग्रुप में, या इससे बाहर जाने का भी मन करता है? नहीं, इसमें अच्छा लगता है, मन लगता है। इसमें आपका मन लगता है। तो आप हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये हमारे साथ एक कलाकार है और इनका कहना है कि यहाँ पर जो ये प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम पर जहाँ भी इनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है वहाँ पर इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी किसी तरह जो है इन्हें प्रोग्राम करके वहाँ से जाना होता है और इस कारण से जो है ये लोग वहाँ पर अपना प्रोग्राम दिखा के जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आसपास में जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ मनचले लड़के जो है या कुछ जो ऐसे कुछ तरह के भी जो है वो वहाँ पर ऑडियंस आते हैं जो इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इनके साथ कमेंट्स करते हैं, बुरी तरह से इशारे करते हैं, गालियां देते हैं, तरह तरह की तरह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जो कि कहीं पर भी सही नहीं है। आखिर ये कलाकार है, ये भी अपना जो है अपनी कला दिखाने के लिए वहां जाते हैं, इनके पीछे इनकी कुछ मजबूरी होती होगी और उन मजबूरियों के कारण ये लोग ऐसा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ साथ ऐसे वो सभी कलाकार जो किसी आर्केस्ट्रा ग्रुप में किसी भी जो स्टेज पर डांस करते हैं या अपनी कला दिखाते हैं आप उन्हें एक अच्छा रिस्पांस देंगे, और साथ साथ जो है
उनके साथ उस तरह की अभद्र जो है व्यवहार या इस तरह की जो है टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर वे भी जो है किसी मजबूरी में काम कर रहे हैं और उनका भी जो है वो पैसा कमाने का एक जरिया है, जिस तरह से हम लोग अपने अलग अलग तरह से पैसा कमाते हैं ठीक तरह से उनका भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।